वेलकम टू ज्ञानस्त्री क्लासेस। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर वन एंड पेपर टू फॉर द सेशन ऑफ दिसंबर। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी। हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी तैयार कर रहे हैं। इंग्लिश पेडागॉजी में हमारे जो चार टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं: लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। फोर्थ टॉपिक भी ग्रामर वाला कवर हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फिफ्थ टॉपिक है। आज हम उसको कवर करेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपका फिफ्थ टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, तीन चार चीज़ें हैं इसी टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ बैच विच इज ऑलरेडी फंक्शनिंग। हमारा प्रयास बैच है, तो इसे ज़रूर आप लोग जल्दी से कनेक्ट होइए सो दैट आपका सीटेट क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपका जो टॉपिक है आज का हमारा, वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। देखो, डाइवर्स मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होती है, वैरायटी होती है ना, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें इसके अंदर पाई जाएंगी। तो पहले क्या होता था ना, क्लासेस में क्या हो रहा है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं पहले से लेकर के अभी तक के जो कल्चर हैं। तो अब फाइनली जो कल्चर आ चुका है, जो क्लासरूम होनी चाहिए जिस तरीके की, वो कैसी क्लास चल रही है आजकल, चल रही है डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते थे या होते हैं अभी भी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, वो सब हट जाएंगे, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो, चाहे वो कास्ट पे बेस्ड हो, चाहे वो आपका किसी जेंडर या सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे क्यों ना हो। ये चीज़ नहीं होती थी, अब फाइनली ये चीज़ भी होने लगी है। फिजिकल कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे somebody is deaf, somebody is dumb, somebody is blind, ठीक है, एंड somebody is not having a part of a body, तो हर तरीके का बच्चा अब आपको एक ही क्लास के अंदर मिलेगा, ओके? तो वो उस क्लास को हम बोलते हैं डाइवर्स क्लासरूम। देखो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। हम जब डाइवर्स क्लासरूम में हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। पहला क्या चैलेंज है, इफ़ेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस ऑन चिल्ड्रन। जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है, जैसे सपोज़ अगर हम यूपी में है तो हिंदी बोली जाती है ना, उत्तराखंड में है तो गढ़वाली यूज़ की जाती है, कुमाऊनी यूज़ की जाती है। इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, तो वहाँ मराठी बोली जाती है, कोलकाता लोगे तो बंगाली बोली जाती है। तो जिस रीजन की जो भाषा होगी उसका एक प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। इंडिया इज़ अ मल्टी लिंगुअल कंट्री, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, हर रीजन की अपनी अपनी भाषा है, एंड रीजनल लैंग्वेजेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली बच्चा बचपन से वही चीज़ सुनता आ रहा है, देखता आ रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, विच इज़ अ चैलेंज इन द टीचिंग प्रोसेस। वो एक टीचिंग प्रोसेस में एक चैलेंज होता है, येस इट इज़ अ चैलेंज। तो पहला चैलेंज आपका जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपसे चैलेंजेस की बात की जाएगी डाइवर्स क्लासरूम में। तो डाइवर्स क्लासरूम में पहला चैलेंज क्या है, रीजनल लैंग्वेज का। दूसरे चैलेंज की बात करते हैं, चैलेंज ऑफ डेवलपिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स इन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना बच्चों के अंदर। क्या स्टूडेंट्स में फेस चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स ड्यू टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सेम रीज़न है, ठीक है, जो एक डाइवर्सिटी है, हर कल्चर में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है तो उसको उसी की ही आदत होती है, तो उससे हट करके उसे दूसरी लैंग्वेज सिखाने में, उसकी स्किल्स सिखाने में दिक्कत होती है। एज रीजनल लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस में ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन लिंग्विस्टिक स्किल्स, जो रीजनल लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, वो बाकी लैंग्वेज की स्किल्स पर भी डालता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भाषाएँ ऐसी होती हैं जिनमें एक एक्सेंट होता है,
एक्सेंट मतलब होता है जब आप बोलते हैं किसी चीज़ को तो आपकी भाषा मतलब अलग ही हो जाती है, ठीक है। एक आपका फ्लो बोलने का जो टोन होता है वो अलग हो जाता है, उसको बोला जाता है एक्सेंट, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश भी बोल रहे हो तो आप वही एक्सेंट फॉलो कर रहे हो, आप हिंदी भी बोल रहे हो आप वही एक्सेंट फॉलो कर रहे हो, तो समझ रहे हो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज है जो कि आप बचपन से सीखे रहे हैं आपके जगह में बोली जाती है, तो वो दूसरी लैंग्वेजेस पर भी प्रभाव डालती है। तो दूसरा चैलेंज यही हो गया कि वो बच्चों को सीखने में दिक्कत आएगी। सीधा नेक्स्ट वन नाउ, थर्ड चैलेंज क्या है? थर्ड चैलेंज इज चैलेंज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज फॉर टीचर। टीचर के लिए भी चैलेंज होता है ये मल्टीपल लैंग्वेज का। क्या इफ़ अ टीचर इज़ आस्क्ड टू टीच इन अनदर एरिया फार अवे फ्रॉम हिज एरिया वेर द लैंग्वेज दैट द टीचर डज नॉट नो, देन इट इज़ अ चैलेंज टू टीच, ठीक है। ऐसे एरिया में अगर टीचर को भेज दिया जाए जहाँ की भाषा टीचर को नहीं आती है तो वो भी उसके लिए वहाँ पर एक चैलेंज हो जाएगा बच्चों को पढ़ाना। सपोज कीजिए, ठीक है, इफ़ आई बिलोंग टू यूपी तो मैंने क्या भाषा देखी होंगी या सीखी होंगी? हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, और चलो काफ़ी हद तक ले तो एक संस्कृत भी क्योंकि स्कूल्स में होती है, ठीक है। और अगर मेरा ट्रांसफ़र हो गया कोलकाता, वहाँ पे क्या पढ़ाई जाती है यह बोली जाती है? दैट इज़ बंगाली। तो अगर मुझे बंगाली में जो वहाँ पे कोलकाता के जो बच्चे हैं उनको मुझे पढ़ाना है जो कि ऑलरेडी उनको बंगाली आती है, उन्हें हिंदी नहीं आती है, उन्हें संस्कृत नहीं आती है, इंग्लिश मुझे उन्हें सिखानी है, तो सोचो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है ना मैं ज़्यादा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूँ और वो सीख जाएंगे? नो, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो बंगाली, मुझे बंगाली नहीं आती, और वही वो भाषा है जो वो समझेंगे। पहले तो आप उससे वही भाषा बात में बात करोगे ना जो उसको समझ में आएगी, तभी तो आप उसको दूसरी चीज़ सिखा पाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ लेकिन हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो इसी तरीके से जो मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं वो टीचर के लिए भी एक चैलेंज बन जाती हैं। फोर्थ वन, लैक ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। चाइल्ड इज़ लूजिंग इंटरेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज के प्रति उसका इंटरेस्ट ही नहीं तो उसे कैसे सिखाओगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज दैट देर इज़ अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स द लैंग्वेज इन द स्टूडेंट्स। जैसे संस्कृत समझ लीजिए, संस्कृत जल्दी से बच्चा सीखना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, उसमें आपको हलंत की प्रॉब्लम होगी, विसर्ग की प्रॉब्लम होगी, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से बच्चा जो उसके उसके अंदर उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है ना, ड्यू टू विच द टास्क ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बिकम्स मोर चैलेंजिंग। तो ऐसे में उस बच्चे को अगर मुझे संस्कृत सिखानी है तो ये मेरे लिए एक चैलेंज हो जाएगा। फिफ्थ वन, ओवर क्राउडेड क्लासेस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप सिंसियरली किसी को पढ़ाना चाहें तो 1-to-1 इंटरेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट इन अ बिग क्लासरूम। अगर एक क्लासरूम बड़ी है मतलब ज़्यादा बच्चे हैं किसी क्लास के अंदर और ओवर क्राउडेड है तो मोर देन इम्पॉसिबल कि आप वहाँ पर 1-to-1 इंट्रैक्शन कर पाएँ। ओवर क्राउडेड क्लासेज यूजली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच द लैंग्वेज इफेक्टिवली। लैंग्वेज ही क्यों, कोई भी चीज़ आप सिखा नहीं पाओगे अगर क्लास बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, एंड अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। ऐसे में बच्चों को कुछ भी सिखा पाना बहुत मुश्किल है। सिक्स्थ वन, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। अगर स्टडी मटेरियल की कोई कमी है तो तब क्या दिक्कत होगी? लैक ऑफ स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर लैंग्वेज टीचिंग इन अ लैंग्वेज डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो लैंग्वेज डाइवर्स क्लासरूम की बात की जा रही है, जो स्टार्टिंग में मैंने चीज़ आपको बताई, ठीक है, वो इंक्लूसिव क्लासरूम है जो कि एक डाइवर्स क्लासरूम का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज डाइवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्लासरूम जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, अगर स्टडी मटेरियल की कमी होगी तब भी हमें सिखाने में बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो अभी अभी हमने पढ़े। क्या क्या, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर, लिंग्विस्टिक स्किल्स का इफेक्ट पड़ता है, और मल्टीपल लैंग्वेज टीचर के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है बच्चे का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, क्लास बहुत ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड मतलब जितनी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास में उससे ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो कैसे आप हैंडल करोगे। स्टडी मटेरियल की कोई कमी है, देन इट विल बिकम अ चैलेंज फॉर द टीचर, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसमें जो पोर्शन है वो है आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग क्लासरूम लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम,
दूसरा है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, तीसरा है एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बात करेंगे हम लर्निंग डिसऑर्डर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे इससे आपके लिए। मैचिंग में भी मिल सकता है आपको ये। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया इज़ द डिसेबिलिटी विथ रीडिंग। किससे रिलेटेड है डिसलेक्सिया? रीडिंग से रिलेटेड है। चिल्ड्रन फेस डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड लेटर्स एंड अदर सिंबल्स। ठीक है, बच्चे जो है शब्दों को नहीं पहचान पाते हैं, जो लेटर्स हैं उनको नहीं पहचान पाते हैं, और कुछ जो सिंबल्स होते हैं उनको भी नहीं पहचान पाते। तो डिसलेक्सिया किससे कनेक्टेड है? डिसलेक्सिया कनेक्टेड है रीडिंग से। ठीक है, दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किससे रिलेटेड है? राइटिंग से। ऐसे इसको याद करने के लिए आप कीवर्ड बना सकते हो, ग्राफ को किससे रिलेट कर दो? राइटिंग से। डिसग्राफिया इज़ द डिसेबिलिटी विथ राइटिंग। लिखने के लिए अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको क्या लर्निंग डिसऑर्डर है? डिसग्राफिया। चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टीज विथ स्पेलिंग। बच्चों को स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है, दे हैव पुअर हैंड राइटिंग, बहुत गंदी राइटिंग होती है इनकी, एंड दे विल ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। ठीक है, तो पहला डिसलेक्सिया है वो किससे कनेक्टेड है? रीडिंग से। दूसरा डिसग्राफिया है किससे कनेक्टेड है? राइटिंग से। अगला देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया समझ लो बस, कैलकुलिया मतलब क्या? कैलकुलेशन। ठीक है, डिसकैलकुलिया इज द डिसेबिलिटी विद मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन जहाँ आएगा वहाँ क्या आ जाएगी? मैथ्स। चिल्ड्रन विद डिसकैलकुलिया फेस डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, रिकॉलिंग नंबर सिक्वेंसेस, दे हैव पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम विद नंबर्स। किस किस तरीके की उनको प्रॉब्लम होती है? डायरेक्शन की, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की एंड प्रॉब्लम विद नंबर्स। तो उनको किस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलेगी? देखो, नंबर्स से प्रॉब्लम होगी, नंबर्स से होगी तो उसके साथ साथ क्या आ गया? कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो गई? कंप्यूटिंग प्रॉब्लम हो गई। वन इज़ लीडिंग टू द अदर, डायरेक्शन की उसको समझ इतनी नहीं होगी, और साथ ही में क्या, जब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा तो वो ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कैलकुलिया किससे कनेक्टेड है? कैलकुलेशन, दैट इज मैथ्स से। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू अ वाइड रेंज ऑफ एवरीडे फिजिकल टास्क विच इन्वॉल्व मोटर स्किल्स। ठीक है, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ पढ़ाई थी। डोमेन्स थे हमारे पास, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड थर्ड वन अफेक्टिव। इसको ऐसे समझ लो, कॉग्निटिव इज हेड, साइकोमोटर इज हैंड एंड अफेक्टिव इज हार्ट। थ्री एच हैं आपके जो इससे रिलेट आप कर सकते हो। कॉग्निटिव जो होता है वो होता है दिमाग का, साइकोमोटर होता है हैंड, हैंड मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज। और अफेक्टिव जो होता है हर्ट का, मतलब दैट इज कनेक्टेड टू द इमोशंस। देखो साइको मोटर, मोटर को ऐसे समझ लो, जो मोटर होती है वो चलती रहती है ना लगातार, तो जब आपको चलने फिरने में दिक्कत हो, कोई मूवमेंट करने में दिक्कत हो, आप से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं सपोजिटली, आप हाथ ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तो ये जो होती हैं जो डेली की हमारी जो फिजिकल टास्क होती हैं, अगर बच्चा उनको नहीं करने में उसको दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं डिसप्रेक्सिया। ठीक है, पी से याद कर सकते हो उसको, कीवर्ड बना लो पी से, फिजिकल टास्क। तो पी फॉर पी आ गया ना इसके अंदर, तो पी से याद कर लो फिजिकल टास्क। दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक जंपिंग, क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसको? जंपिंग, स्पीकिंग क्लियरली एंड ग्रिपिंग अ पेंसिल, पेंसिल ही पकड़ने में उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब लास्ट में देखते हैं हम एफेशिया। एफेशिया क्या होता है? एफेशिया इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच एंड द एबिलिटी टू रीड और राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है? लैंग्वेज का इम्पेयरमेंट होता है, मतलब बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है लैंग्वेज को। प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच, ठीक है, ठीक से उस चीज़ को बोल नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से वो ना ही ठीक से लिख पा रहा है और ना ही ठीक से पढ़ पा रहा है। एंड लास्ट वन डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या होता है? डिसमॉर्फिया इज अ साइकोसिस, इन दिस द पर्सन और चाइल्ड गेट्स ओवरवेल्म दैट सम पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर स्मॉलर देन अदर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? बॉडी के कुछ पार्ट्स
कंपैरेटिवली दूसरे पार्ट से क्या होते हैं, स्मॉलर, छोटे होते हैं। सम ऑर्गन्स आर इनकम्प्लीट कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बोला, इफ़ सम पार्ट और दी अदर इज मिसिंग ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी विद अदर पीपल, दिस एडवर्सली अफेक्ट्स हिज लर्निंग, ठीक है, ऐसा होता भी है, ये तो बहुत ही कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का। अगर फिजिकली किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत अलग ही नज़रों से देखा जाता है, किसी की आँख नहीं है तो उसको पलट करके ज़रूर देखेंगे, अगर वो सुन नहीं पाता है तो उसको अलग मजाक बनाई जाती है, अगर उसके हाथ की एक फिंगर नहीं है तो उसको अलग नाम ही रख देते हैं उसका, है ना, उसके बॉडी पार्ट की जो उसकी कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनसे ही उसको नाम रख दिया जाता है और उसकी मजाक बनाई जाती है। तो ऐसे में बच्चा खुद उस बिना उसकी कोई गलती नहीं है, अगर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, ऐसे में वो खुद अपने आप ही इतना परेशान है, उसकी लाइफ ही इतनी उसके लिए मुश्किल हो चुकी है, ऐसे में लोग क्या करते हैं उसको उसकी लाइफ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ टीचर आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद भी ऐसी सोच ना रखें, और साथ ही जो उसके साथ में जो बच्चे दिन पूरे दिन उसके साथ रहते हैं, जो उसे कंपनी करते हैं, जो उसके माइंड का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर करते हैं, जो हमारी स्कूल लाइफ होती है ना, स्कूल लाइफ में दिन भर में हम जितने बच्चों से मिलते हैं, जितना हमारा इंट्रैक्शन होता है, वही हमारे पूरी थॉट्स को, पूरे माइंड को हमारे कवर कर लेता है, है ना। जो पीयर्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ह्यूज होता है स्कूल टाइम में, तो बच्चे भी ऐसी सोच ना रखें, अगर नहीं रखेंगे तो ऐसे लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी यूज़फुल हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, है ना। वही एक थॉट है जो बोलते हैं, लेट्स मेक दिस अर्थ अ बेटर प्लेस। तो अर्थ का पार्ट तो क्या होती है, क्लास भी होती है ना, तो हम क्लास को एक बेटर प्लेस बना देते हैं। क्लास को बेटर प्लेस कैसे बनाएंगे, खुद की सोच को अच्छा रख करके, और हमारी सोच अच्छी होगी तो जो हमसे सीखने वाले सारे बच्चे हैं हम उनकी सोच को भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी पावर है कि हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, कैसे, उन बच्चों की जब अपब्रिंगिंग हो रही है उनके दिमाग में ऐसी ही चीज़ें डाली जाएं जिससे कि चीज़ों को आसान कर दिया जाए, ठीक है। सो बेस्ट देखो इसमें ऐसे कुछ, मैं आपको कितनी भी थ्योरी पढ़ा लूँ, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए आओगे, जब ये रियल लाइफ में आपके सामने प्रैक्टिकल चीज़ें आएंगी, तो ये थ्योरी तो आपको कुछ याद नहीं आने वाली है, वो आपको एक बेसिक इंस्टिंक्ट ही होंगे आपको, जो आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जब आपको ऐसी क्लास में आप होगे जहाँ पे इस तरीके की दिक्कत होगी, है ना, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, दैट इज़ गोइंग टू मेक एन इफेक्ट ऑन योर होल पर्सनैलिटी एंड as well as the lives that are connected to you, ठीक है। And this is all what you are studying is only pedagogy, यही skills आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो I hope आज आप कुछ ज़रूर नया सीखे होंगे यहाँ से। हमने क्या पढ़ा, चैलेंजेस पढ़े, एक डाइवर्स क्लासरूम में किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, रीजनल लैंग्वेज का हो सकता है और लिंग्विस्टिक स्किल सिखाने में उसको दिक्कत हो सकती है, मल्टी लैंग्वेज टीचर के लिए हो सकता है, चाइल्ड का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ओवरक्राउडेड क्लास दिक्कत करेगी, स्टडी मटेरियल का जो लैक होगा वो भी दिक्कत करेगा। डिसऑर्डर्स पढ़े हमने, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया इज कनेक्टेड टू रीडिंग, डिसग्राफिया इज कनेक्टेड टू राइटिंग, कैलकुलिया इज कनेक्टेड टू मैथमेटिक्स, प्रैक्सिया इज कनेक्टेड टू फिजिकल टास्क, पी से प्रैक्सिया है ना, पी से फिजिकल टास्क, ऐसे याद कर लो। एफेशिया, एफेशिया इज कनेक्टेड टू द एम्पायरमेंट ऑफ लैंग्वेज, एंड लास्ट वन डिस्मोर्फिया, जिसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी विद द पीपल स्टार्ट्स टू कंपेयर, क्या होता है, इनकम्प्लीट, सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इनकम्प्लीट और आर स्मॉलर देन द अदर्स, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, एक चार्ट बना लीजिए, इसको ईजी हो जाएगा आपके लिए, एक चार्ट बनाएंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी और दूसरे सेक्शन में आप लिखिएगा प्रॉब्लम, लिख सकते हो आप, जैसे हमने पढ़ा पहला डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे कनेक्टेड था, रीडिंग, यहाँ लिखोगे आप रीडिंग।
दूसरा क्या पढ़ा? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे है? राइटिंग से। तो यहाँ आप लिखोगे डिस्ग्राफिया और यहाँ पे क्या लिख दोगे? राइटिंग। समझ पा रहे हो आप? दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी दिस विल। एक खाली एक चार्ट देख करके ना, ये टेबल देख करके पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एज वेल एज शेयर कीजिए, सो दैट मोर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नो अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है? तो चलिए, मेहनत करते रहिए, सीटेट की जर्नी ज़रूर सफल होगी। हैव अ गुड डे।